पिशावर सीरीज के एपिसोड 1 में आज हम पहुंचे पाकिस्तान का सबसे ज्यादा बिकने वाला रोच ट्राई करने, जो डेली जानवर जिबा करके 500 केजी तक बनाया जाता है। सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक खत्म हो जाता है। इसकी सारी मेकिंग भी आपके साथ शेयर करते हैं। वीडियो पसंद आती है तो शेयर जरूर कीजिएगा। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, लाल चाप और रोच मौजूद है जी, और ये पीसी से निकाले जा रहे हैं। कसाई फुल पार देना लगे हुए, रेड मीट है प्रॉपर, और एक साइड पे 2, 3, 4, 5, क्या बात है, सुभान अल्लाह, फुल मोहब्बतों मोहब्बती निजाम हो यहाँ पे जी। और ये शापर वगैरह खुली जा रहे हैं, और 200-300 किलो रोश लगाया जाता है यहाँ पर। दोपहर 3 बजे तक सिस्टम होता है, 9 बजे से ताजी टीन खोल रहे हैं जबरदस्त किस्म के। अंदर सब तुम्हें देखा जी, ताजी गोश्त जबरदस्त किस्म का कटाई हो रही थी, इतने पतीले सड़क सज गए ने माशाल्लाह, क्या बात है, ये गया हमारे पास घी जबरदस्त। सबसे पहले घी आ गया इसमें माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। उसके बाद दूसरे पतीले में और पसंद है, वो आयला आ गया, वो भाई तीसरे में भी आ गया था। सुबह आयल अच्छी तरह गर्म हो गया, अब इसमें प्याज जाएगा। ये ना हड्डी वाली बोटियां पहले जाती हैं, ये नली वाली देख सकते हैं ना, बड़ी बड़ी नली वाली बोटियां, ये इसके अंदर जाएगी। ये हमारे पास प्याज आ गया सबसे पहले, और ये हड्डी वाली बोटियां निचले पीस जाएंगे ताकि ना ये मसला ना हो। नीचे वाला पीस जा रहा है, नीचे भी अगर लगे ना तो क्योंकि बोटियां दूसरी नीचे लग जाती हैं, और मुझे स्क्योर करना है ये नहीं रहता। क्या बात है, सुभान अल्लाह, ये नीचे लग के अभी ये रेड मीट आ गया। क्या बात है, ऑयल में पकता है ना इसका। ये पहला पतीला हो गया जी माशाल्लाह, पहला पतीला टकता जिस तार इसमें भी चले गए हमारे पास, और इसमें भी ये हड्डी वाली बोटियां पहले डाली जाएंगी। हड्डी बढ़िया बढ़िया बोटियां नहीं होंगी, चेक करो। क्या बात है लाला, ये तो पीस बहा रहे हैं ना, उसे नहीं फटिया जा रहा। और ये हमारे पास रेड तीन तीन काफले इसमें भी जाएंगे, जिस तरह उसमें तीन काफले गए थे। ये थोड़ा सा और रेड मीट आ गया जी, सुभान माशाल्लाह, ये उस्तादी ने रेड मीट डाल के पतीला कर दिया। ये जी देश भी आ गया था, पहले हड्डियाँ आई ने, और ट्राई करेंगे नली शली। हमारे पास नींबू पानी आ गया, इस तरह सिस्टम चल रहा है ना, और ये नींबू पानी भी इसके अंदर डाल दिया गया। चर्बी आ गई इसमें, चर्बी के पीस आ गए, इतनी चर्बी जाती है, इतनी जाती चर्बी बस। चलो जी, आलू की सफाई की जा रही है, चलो जी आलू आ गया, वैरायटी कर दी गई, कट्टा लगाया जा रहा है जबरदस्त। चला जी, और नमक लगा के अभी इसको स्टीम लगा दिया जाएगा। पतीला आ गया, कितनी देर के लिए स्टीम लगा दी इसको? एक घंटा पंद्रह मिनट के बाद देखते हैं क्या सिस्टम निकलता है। आहा, क्या बात है, सुभान अल्लाह, इसको जबरदस्त 1 kg लगा दिया है, और अभी हमारे पास छोले छोले आ जाएंगे जबरदस्त। खुलने लगा जी जबरदस्त किस्म का, क्या बात है, उस्ताद ने बड़े चकते ने, और उस्ताद कोले चकेगा जबरदस्त किस्म के। क्या बात है लाल चाप जी, क्या बात है, नहीं फटे जा रहे तो ये आ गया हमारे पास। हो जबरदस्त किस्म के आलू, थोड़े थोड़े तो हो गए नरम आलू है, अपना ही मजा है। कहीं जा रहे हैं, और थलों के साथ बोटियां कटेगा, और नरम नरम आलू है कसम, ऐसा की चीज तो पंजाब नहीं बना सकता, ये केपीटी वाले की खासियत। ये उस्ताद जी के ने एक्स्ट्रा आलू निकाल दिए अंदर से जबरदस्त। हाँ, उस्ताद जी का एक्स्ट्रा आलू काट रहे हैं, क्या बात है, पीछे से हमें गोश्त नजर आना शुरू हो गया जबरदस्त। क्या बात है लाल शाहपुर तरी, माशाल्लाह काट रहे हैं जबरदस्त, चंपा चंपा नली, हर हर तरह की बोटी है लाले, पूरा जानवर लाला जी। माशाल्लाह आज की पहली प्लेट बनने लगी, ऑर्डर आना शुरू हो जी। ना पे खस्ता सा नान है जी, जो कि केपीके में मिलता है, चाप वाली बड़ी जबरदस्त बोटी है हमारे पास, क्या नाम है ना,
सात आलू है, ये टेंडर गोटी लगाते हैं, देखे ना, ये सात आलू लगाया, सात थोड़ा चर्बी का पीस, और ये सात हमारे पास रोटी।